ये एग्जाम्पल है दो लड़कों का, दो लड़कों का जिनकी एज है 18 साल और दोनों का एक ही डिजायर है कि मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए, दोनों का यही है, और अगले 10 साल के अंदर अंदर चाहिए, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। जो पहला लड़का है उसने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया, उसने एक अपनी डायरी में लिख दिया, पोस्टर्स ला करके उस गाड़ी के अपने घर में लगा दिए जगह जगह पर, 24 घंटे उस गाड़ी के बारे में सोचने लग गया कि ये गाड़ी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, रोज रात को बैठ करके फील करता कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, आवाजें निकालता जू 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 ये वो, और करते करते ब्रेक मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक्चुअल में नहीं मिली है, इमेजिन कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, उस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया गया है, यस और नो? अब इसको करने से क्या हो रहा था, पहले उसकी सिर्फ एक विश थी, एक चाह थी कि हाँ मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसका वो बर्निंग डिजायर बन गया, अब उसको गाड़ी हर हालत में चाहिए ही चाहिए अगले 10 साल में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, आप में से कितने लोगों ने मेरा इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेशन देखा है, आप सोच रहे हो यार आपने इल्यूजन टू रियलिटी में भी तो यही बात करी है और आप खुद ही उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, लग रहा है कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा लग रहा है? देखो मैंने क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक पतली सी लाइन का फर्क होता है, इधर कुछ और इधर कुछ और। अगर आप ध्यान से मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे, आज तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको देखोगे, तो मैंने किस चीज के बारे में बात करी है, किसी चीज को हासिल करने के बारे में, गाड़ियों के बारे में, पैसे के बारे में, बंगले के बारे में, या किसी काम पे फोकस करने के बारे में, काम पे फोकस करने के बारे में, चीज के बारे में नहीं। मतलब इस टेक्निक में कोई कमी नहीं है, इस टेक्निक को यूज जो लोग कर रहे हैं 90% वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब दूसरे लड़के की बात करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क था। दूसरा जो लड़का था उसका भी डिजायर था कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बस एक छोटा सा फर्क था, उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से, उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। अब ये काम ना बड़ा बोरिंग लगता है सुनने में कि यार क्यों चाहिए, ये सोचने की क्या जरूरत है, सीधा गाड़ी लो ना शॉर्टकट फटाफट। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने गलती नहीं करी, उसने पूछ लिया। और जब हम सवाल पूछते हैं तो क्या होता है, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है, और उसको मिल गया। जवाब ये था कि मैं ये गाड़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो उसको जवाब मिल गया कि मैं ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं। फिर उसने दोबारा सवाल किया कि क्यों, मैं क्यों अपने आसपास वालों को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं। और फिर उसको एक जवाब मिला, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं। उसने एक आखिरी सवाल पूछा और जब उसका जवाब मिला ना तो वो हिल गया, उसके सारे फंडे क्लियर हो गए। वो सवाल था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसको उसको जवाब मिला, सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं। बस उसको समझ आ गया कि एक रेस लगी हुई है जहां पर सब भाग रहे हैं, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो भाग क्यों रहे हैं। और जैसे ही उसको ये समझ आया, उसको ये जवाब मिला, तो उसको ये तो नहीं पता था कि मैं अब क्या करने वाला हूं, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि मुझे क्या नहीं करना। उसने डिसाइड कर लिया उसी टाइम, उसी मोमेंट में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं बनना इस रैट रेस का हिस्सा, मुझे नहीं प्रूव करना किसी को कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे अंदर की आवाज है। बाढ़ में गई थी और जैसे ही उसको ये अंदर से उसकी आवाज आई कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो जवाब उसके अंदर से ही निकल करके आ गया। और उसको जवाब मिला कि 3 साल पहले वो सबसे ज्यादा क्लोज इस पूरी दुनिया में अपने फादर के था, अपने पापा के, और दोनों का रिलेशन
एक बाप बेटे का कम और एक दोस्त का ज्यादा था। उसके पापा की एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी दिल्ली में, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे गांव में जाते और जा करके वहाँ के कारीगरों से कुछ सामान लेकर के आते और अपनी दुकान में बेचते, ये उनका काम था। एक बार वो एक गांव में जा रहे थे तो उनका बेटा भी उनके साथ चला गया, ये लड़का उनके साथ चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही थी। और दोनों उस गाँव में एक ढाबे पर बैठ करके शाम का टाइम था, खाना खा रहे थे। खाते खाते एकदम से उसके फादर के यहाँ पर दर्द उठा, लेफ्ट साइड में दर्द होना शुरू हो गया, और उस लड़के ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, फटाफट से अपने फादर को लेकर के एक पास के हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ जाकर के जो डॉक्टर्स थे उस गांव के हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि आप इनको जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, टाइम नहीं है। लेकिन वो बड़ा हॉस्पिटल उस गांव से 3 घंटे की दूरी पर था, और जब वो वहाँ पहुँचा और उसको उसके फादर को एमरजेंसी वार्ड में लेकर के गए, तब तक सब ठीक था। लेकिन उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आए और आ करके उन्होंने बोला, वी आर सॉरी, अगर आप 15 मिनट पहले आ जाते तो हम कुछ कर सकते थे, 15 मिनट पहले। अब जैसे ही इस लड़के के साथ ये हुआ था तो बिल्कुल सुन्न हो गया था, मुंह से एक वर्ड बाहर नहीं आ रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या सोचूं, उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, एकदम से हो गया। और उसके काफी देर बाद जाकर के, उसके 5-10 मिनट बाद जाकर के उसके अंदर से एक चीख निकली थी, एक अजीब सी बात निकली थी जो उसको उस टाइम पे नहीं समझ आई थी कि ये बड़े डॉक्टर्स बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में ही क्यों होते हैं, छोटे छोटे गांव में क्यों नहीं होते। उस टाइम उसको नहीं समझ आया, आज समझ आ गया। उसको समझ आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था जिससे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और जाकर के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में काम करूं, ना कि एक गाड़ी खरीदूं। और इस एक सवाल ने, एक वर्ड के सवाल ने, क्यों ने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। जहां एक तरफ उससे एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती थी, अब वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसके कुछ साल बाद वो एक हार्ट सर्जन बन गया, और जा करके कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स को असिस्ट करने के बाद में छोटे छोटे गाँव में चला गया। ये थी उस दूसरे लड़के की कहानी। दस साल हो गए हैं, तब दोनों 18 साल के थे, आज दोनों 28 साल के हो चुके हैं, लेकिन क्या दोनों की लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क होगा? एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या फर्क होगा। जो पहला लड़का था उसने इस लॉ को पूरे विश्वास के साथ प्रैक्टिस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे विश्वास के साथ कि ये काम करता है, करेगा, इतने लोग बोल रहे हैं गलत थोड़ी होंगे, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये काम करता है, उसने किया। लेकिन फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है ना, उसको नहीं मिला, उसको वो गाड़ी नहीं मिली, क्या होगा उसके साथ में, क्या होगा? खुश रहेगा, टूट जाएगा, पागल हो जाएगा, बिखर जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। यह है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि उसको BMW गाड़ी नहीं मिली लेकिन होंडा सिटी मिल गई, अब क्या होगा? खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये गोल सेटिंग करके और ये सब करके उसने अपने डिजायर को बढ़ा लिया, अपने अंधविश्वास को इतना बढ़ा लिया कि अब उसको वो ही गाड़ी चाहिए और किसी गाड़ी से उसका काम ही नहीं चलने वाला। जबकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक 28 साल के लड़के के लिए जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अपने पैसों की होंडा सिटी गाड़ी खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब तीसरी सिचुएशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो 10 साल में एक चमत्कार हुआ, उसने कई तरह के काम करे और उसको BMW गाड़ी मिल गई, अब क्या होगा? खुश रहेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा अपनी लाइफ से, बैठ जाएगा आराम से, हाँ मिल गई, यही तो चाहिए था, मिल गया, हो गया काम, लाइफ बढ़िया हो जाएगी उसकी, उसका लालच और बढ़ जाएगा, उसका अंधविश्वास और बढ़ जाएगा, वो कहेगा कि अगर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके मुझे 10 साल में ये गाड़ी मिल सकती है तो अगले 5 साल में एक इतना बड़ा घर क्यों नहीं मिल सकता? यस और नो? मतलब कि उसको सब कुछ मिल चुका होगा लेकिन वो उसको छोड़ करके फ्यूचर के अंदर किसी और चीज को पकड़ लेगा। सब कुछ होने के बाद भी वो फ्यूचर में जिएगा और उसकी हालत बिल्कुल एक ऐसे खरगोश के जैसी हो जाएगी जिसके सर के सामने किसी ने डंडा लगा करके गाजर को टांग दिया।
इमेजिन करो कैसा होगा वो खरगोश, जो उस गाजर को देख तो सकता है, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है, उसको खाने के लिए भाग भी सकता है लेकिन कभी खा नहीं सकता, मरते दम तक सिर्फ भाग सकता है, खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो खुशी है उस काम में नहीं है जो वो काम कर रहा है, किसी चीज में है, बाहर है, उसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं दूसरे लड़के को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस दूसरे लड़के का क्या होगा। 10 साल हो गए वो छोटे छोटे गांव में जा करके अपना काम कर रहा है, और पहली सिचुएशन उसको गाड़ी नहीं मिली, BMW गाड़ी उसको चाहिए थी 10 साल पहले, लेकिन आज नहीं मिली, तो क्या होगा, क्या होगा? खुश रहेगा, उसकी खुशी किसी गाड़ी में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, उसके काम में है, कल जो मिलने वाला है उसमें नहीं है, आज जो वो कर रहा है उसमें है। दूसरी सिचुएशन, उसको BMW नहीं मिली, होंडा सिटी मिल गई, तो क्या होगा, तो भी खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एब्सोल्युटली, उसने मांगी नहीं थी फिर उसको मिल गई, बहुत खुश रहेगा, उसको BMW मिल गई तो क्या होगा, खुश रहेगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि उसको ये गाड़ी मिल गई, इस वजह से क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है। और एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है यहां पर इन दोनों के अंदर, सबसे बड़ा फर्क अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दूसरा लड़का है अगर इसको गाड़ी मिल गई जो डॉक्टर है और छिन गई 1 साल बाद, तो क्या होगा, तब भी खुश रहेगा, लेकिन जो पहला है उसका क्या होगा, अरे वो सिर्फ डर में जिएगा, वो सिर्फ डर में जिएगा, जो है उसको खोने का डर, जो मैं चाहता हूं उसके ना मिलने का डर, 24 घंटे सिर्फ डर। डर ही डर, सब कुछ होगा उसके पास पहले, फिर भी अंदर से डरा हुआ होगा, यार कोई मेरी गाड़ी ले ना ले, अरे कोई इस पे स्क्रैच ना मार दे, स्क्रैच के पीछे मैं सुन रहा हूं आजकल मर्डर्स हो रहे हैं कि तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कैसे मार दिया, ले धाड़ खत्म। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसकी जड़ क्या है, यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, यही है। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है उसको एक लाइन में अगर इन दो के बीच का फर्क आपको बताऊं तो वो ये है, पहला आदमी बोल रहा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं।